खराब हो गई थोड़ी मेरी। आज मैं लगा के चिकू के साथ टेस्टिंग करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है निपेश को मेरे साथ? चिकू को भी मेरे जैसा ही एग्जाम रेडी। प्लीज ओपन द डोर भाभी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं उठ चुकी हूँ और मेरा ब्रश वगैरह हो गया है। सिर्फ अभी मैंने गर्म पानी पिया है और आज बना है गाजर का दूध जो कि मम्मी ने बनाया है, वो मैं आपको बताऊँगी। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैंने भी कभी पिया नहीं है। और थोड़ा बहुत रूम में जो भी मैस हो गया है ये आप पीछे देख ही रहे होंगे, इन सबको थोड़ा सा संभाल देती हूँ क्योंकि काफ़ी मैस हो गया है, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो मैं आज कल्याणपुर भी जाना है, सो उस हिसाब से मुझे तैयारियाँ भी करनी है, शॉप पे भी जाके सब पहले ही मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे क्या हो गया यार, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब वहाँ रात रुकेंगे। चलो मैं थोड़ा सा ये सारा अरेंज कर देती हूँ। झाड़ू तो लग गया है और आज बनाया है ये काजल का दूध जो कि मैं भी फर्स्ट बार देख रही हूँ और आज पियेंगे। कैसा लगता है टेस्ट में? तो एक कप चिकू को देती हूँ, एक कप मेरा, एक कप मम्मी का। मम्मी ने ऑलरेडी भर दिया है, तो चिकू के पास लेके जाती हूँ। गाजर का दूध क्यों? मैंने भी पहली बार देखा। ये मेरा गाजर का दूध फर्स्ट बार टेस्टिंग है। पहले कभी नहीं पिया, कभी भी नहीं। गाजर के हलवे जैसा ही दिखता है, लगता है। हाँ, मावा ज्यादा कर दो गाजर के हलवे में, ऐसा ही होता है। हलवे जैसा ही लग रहा है पर दूध अच्छा है। टेस्टी लग रहा है ना? टेस्टी है। देखो कलर देख के पीने का होता है। मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मैंने वेयर की है साड़ी और अब भी मैं लगाने वाली हूँ परफ्यूम। तो परफ्यूम आज मैं लगा के चिकू के साथ टेस्टिंग करने वाली हूँ। ये परफ्यूम मैं लगाऊंगी, एक ही लगाऊंगी, बेचारों को ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करते हैं। एक परफ्यूम लगाऊंगी और फिर उनसे पूछूंगी मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया। चलो बता। और ऐसा परफ्यूम लगाऊंगी जो मैं नहीं लगाती हूँ। नहीं, ऊद मैं कभी लगाती नहीं हूँ, मुझे ऊद थोड़ा कम पसंद है। तो मैं लगाने वाली हूँ कॉमन परफ्यूम, मुझे नहीं लगाना है जो मैं रेगुलर लगाती हूँ उसमें। और हम लगाती हूँ अब मैं चिकू को पूछूंगी कि मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया जब वो मुझसे मिलेगा। हालांकि पूछेंगे तो से कौन सा लगाया, कौन सा लगाया है। और अब जो मैं बच्ची कुच्ची रेडी होने बाकी हूँ वो जाती हूँ। एक बार मंदिर जाके आते हैं और जैसे ही चिकू आएंगे, चिकू की लेंगे हम टेस्टिंग। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, खराब हो गई ऑप्टिमा। कैसे ऑप्टिमा? नहीं मेंटोर कैसे खराब हो गई? सेल्फ नहीं लग रहा। अरे मैं क्या पूछ रही, बता। चलो क्या कहते हैं, मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया चलो बताओ। लो गले में सूंघो। सैक्रिफाइस? नो। एक मिनट, चलो तुम मुझे बता दो ये क्या लगी है तुमको, वो मैं बता दूंगी। लगभग तुम्हारा फेवरेट है, वो तुम्हारे बर्थडे का है। और हम तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर और पता चला ना बर्थडे पर विश की, बर्थडे पर गिफ्ट किया है, तो ऐसे मेमोरी क्रिएट होती है। रुको लुक। तो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है, निपेश को मेरे साथ व्लॉग में बहुत ज़्यादा आना चाहिए ना, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनेंगे। तो बिजी इतने रहते क्या व्लॉग में आएंगे। दर्शन हो गए हैं, एक बार शॉप करो, लेके जाओ, राउंड मार देते हैं, फिर चलते हैं घर पर और खाना बनाना बाकी है। ऑप्टिमा लेके आते तो ये प्रॉब्लम है, चलते चलते मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक चढ़ती नहीं है।
गए तो पूरा शॉप में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। अभी बाहर पूरा झाड़ू लगाया, पानी छिड़का और अंदर भी पूरा झाड़ू लगाया, पानी छिड़का और अब जा रहे हैं शॉप पर, क्योंकि चिकू को है इस शॉप पर काम और खाना बनाना भी बाकी है, तो खाना बना के फिर मैं आऊँगी। खाना बना रही हूँ और साथ ही साथ दाल तो मम्मी फ्राई कर रहे हैं, दाल बॉईल करने मैंने रख दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, क्या पता क्यों हो रहा है, तबीयत ख़राब हो गई है थोड़ी मेरी। अभी जा रही हूँ मैं शॉप पर, मैं आ गई हूँ शॉप पे। क्यों डर क्यों गई? ब्राइडल हमारी आ चुकी है, अब हमारा ब्राइडल मेकअप है, सो चलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। तो अभी हो गए हम फाइनली फ्री और अब हमको निकलना है कल्याणपुर के लिए, तो जल्दी जल्दी अब घर जाती हूँ, फिर रेडी होती हूँ। यहाँ पर पीछे पूरा स्टूडियो को करना है। तो अभी जस्ट हुए हैं हम फ्री, चिकू भी यहाँ पर आया है, अभी चिकू कर रहे हैं क्लोजिंग और अंदर की क्लोजिंग कर दी है और इतने लेट हो गए पूछो मत। आज मुझे पता ही नहीं था ब्राइडल का मेकअप शाम को है, दो तीन दिन पहले ही पता चला और मम्मी पापा के यहाँ पे पूजा भी शाम की थी। अब क्या पता आधी तो हो ही गई होगी, पर आई होप पहुँच जाए जल्दी टाइम से। और बटुआ वही है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, जल्दी जाना, जल्दी 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 में कुछ भूल नहीं जाए बस। हाँ भुलाएंगे। गई हूँ घर पे और पापा मम्मी को देने के लिए, हम जो सारंगपुर से तस्वीर लाए थे वो आज सही समय है देने का, तो आज दे देंगे और ये इसकी अनबॉक्सिंग घर जाके ही होगी। और अभी इसको चिकू पैक कर देंगे, चिकू के लिए निकाल देती हूँ कपड़े पहनने के लिए, फॉर्मल्स में कुछ निकाल देती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिल्कुल सिंपल ही रेडी हुई हूँ। जो ये साड़ी आपने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, एक बार मैंने कभी पहनी थी, तो ये वाइट और ब्लू ब्लाउज पहन लिया है और चिकू को भी मेरे जैसे ही सेम रेडी कर दिया है, ब्लू और पैंट और वाइट शर्ट। तस्वीर है वो पैक करेंगे, लेके आए हैं उसके लिए रैप, सो इसीलिए वो, क्योंकि उसकी पैकिंग इतनी सही नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट वो तस्वीरें दे देते। अच्छा ठीक है, आधा आधा कर दोनों। हाँ, तो हो गई है कंप्लीट पैकिंग। फोन पे फोन आ गए, अब निकलते हैं, मेरा फोन बाहर ही है। नहीं ठीक है, अमित टोड़ी ये सोच रहे अभी कहाँ जा रहे हैं, ये जाए ये ऐसे जब पैर के दर्द करते तैयार रखे सेटिंग हो जाए। मास्क है जरूरी, हम लोग निकल चुके हैं अब गाड़ी में आ गए हैं और अभी मम्मी पापा भी गाड़ी में आने वाले हैं, सो अब निकलते हैं कल्याणपुर के लिए। 7 बजी गई, उन्होंने टाड़ो ने बड़ा हो गया दीदी, मोटा कितना हो गया? मोटा तो हुआ हूँ, खा खा के जबरदस्ती खेला है। मम्मी आप नाना जी कैसे? बस वो ठीक है, छुट्टी लो। ये प्रसाद सत्यनारायण पूजा के मुंह में चला गया। अब कीप साइलेंट, रुकना एक बार में। तो अभी नीचे चल रहा है सुंदरकांड और मैं आ गई हूँ यश के रूम में, खाना वगैरह सब हमारा हो चुका है और यश का रूम आज फाइनली रिवील होने वाला है मेरे व्लॉग्स में। स्टूडियो तो नहीं है भाई, अभी वो छोटा सा है, मैं जहाँ मेरा एडिटिंग टेबल थोड़े टाइम। ओके, तो ये यश का बेडरूम का एक छोटा सा पार्ट अब आपको दिखाने वाले हैं, पूरा मेन। ए रुक जा, मैं काला दिखाऊं, ये लेना मत जी।
मास्क निकाल दें। ये है यश के रूम का ड्रेसिंग जो कि यश साथ साथ में मेरे वीडियो में लबड़ा भी रहे हैं। ये पीछे है हमारे, ये वाला कॉर्नर कुछ स्पेशल के लिए बनवाया है यश ने। अब वो स्पेशल कुछ टाइम के बाद ब्लॉग में दिखेगा यश के। और ये हमारे विक्कू भैया नीचे कर रहे हैं रेस्ट एंड सब जने मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं बेड पे मस्ती। ये यश का बेडरूम, वहाँ पे विक्कू भैया। ये है हमारे यश का रूम जो कि आपने देख लिया है अभी। और ये यश का बेड है जो कि हम सब ने मिलके मॉडिफाई किया है और कुछ सोच सोच के नया नया बनवाया है। और इधर है यश की वार्डरोब जो कि हम आपको खोल के नहीं बता सकते हैं क्योंकि अंदर सारा मैस पड़ा हुआ है, अभी भाभी आई नहीं इसलिए सारा जमा हुआ नहीं है। और ये यश का छोटा सा स्टडी एरिया, इसके बाद वर्किंग एरिया जो भी आप बोले, एडिटिंग टेबल, यहाँ पर मेरी वीडियो एडिट हो रही है अभी फिलहाल। यहाँ पर सब जनों को हमने उठा दिया है, सब जने एक साथ अपने तरफ कैमरा आते हैं ताले वगैरह। मैं आ गई हूँ अब ऊपर, और ऊपर से यश के रूम से सीधा ब्रिज से इधर अब एंट्री कर रहे हैं हम मेरे रूम में। और यश और दोनों आज बना रहे हैं घर की प्रॉपरली वीडियो। तो अभी हम भाभी करेंगी वेलकम, प्लीज ओपन द डोर भाभी। ये है मेरा रूम। तो ये है हमारे दीदी और जीजू का रूम। तो ये है मेरा रूम, और यहाँ पर मैं, भाभी, यश तीनों जने कर रहे हैं ब्लॉग। और हम अभी आपको दिखा रहे हैं ऊपर का पोर्शन क्योंकि नीचे सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, सो इसीलिए। तो ये है रूम में एक कांच जो कि यश ने लगवा दिया है स्पेशली मैंने हमारी शादी के लिए यहाँ मेकअप कर लिए। बिल्कुल सही। और अब जा रहे हैं हम गेस्ट रूम में। ये है स्टोर। यस, आप आगे जाइए, अपने घर को एक्सप्लोर कीजिए। तो यहाँ से जैसे आप चल के आएंगे, ये है हमारी छोटी सी एक गैलरी, और यहाँ पे हमने रखा है सिंगल बेड गेस्ट रूम जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पर्सनली हमने ये सोच के रखा है नाना जी कभी आएंगे और यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पे रुकेंगे एंड देन वो चिल करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम इनकी व्यवस्था होगी पूरी, यहाँ पूरी व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ यश, इसके जीजू भी नाना के साथ बैठ सकेंगे। नाना आज आए हुए हैं, नाना है नीचे, नाना से भी आपको मिलवाएंगे पर वो सो चुके हैं आई थिंक, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बाकी उनकी। इसलिए अगर उस टाइम में अगर व्लॉगिंग चालू होती है और वो करते हो तो शायद आज मेरे नाना सबसे बड़े यूट्यूबर होते हैं, एशिया के सबसे बड़े, बिकॉज उनको बोलने का काफ़ी शौक है। और ही इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश। तो ये सिंगल बेडरूम है, ये सिर्फ एक गेस्ट रूम है सो इसीलिए। और यहाँ पर कुछ सिटिंग एरिया भी रख रखा है ताकि यहाँ पर पार्टी शार्टी हो सके, थोड़ा चिल विल हो सके। बाहर का व्यू भी है पर वो व्यू आपको अभी नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, अभी थोड़ा सा दिखेगा सुबह जो मैन। तो ये है हमारा सबसे, ये हमारा रूफटॉप है, सबसे लग्जरी रूफटॉप। तो ये यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह करेंगे, यूं करके यश ने स्पेशली ये जगह बनवाई है ताकि यहाँ पर भी चिल हो सके ऑल ओवर। यानी यश ने अपने हिसाब से चिल करने के लिए बनाया है। और यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ पर भाभी जब आ जाएगी तब ये दोनों यहाँ पर मिलकर किचन नहीं टेरिस गार्डन प्लान करेंगे। टेरिस गार्डन का है, फिर हम सब मिलकर यहाँ पार्टी करेंगे। बिल्कुल। तो बस अब भाभी भी आने वाली है बहुत जल्दी। वॉशरूम का ड्यू ना, ये वॉशरूम स्पेशली मैंने, जब यस जाएंगे तब ये नहीं, ये वॉशरूम मैंने स्पेशली अंदर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि स्पेशली जीजू के लिए बनवाया गया है क्योंकि ये इंडियन स्टाइल का है क्योंकि उनको वेस्टर्न नहीं पसंद है। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनवाया गया है। तो आप इसको अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इसका ट्यूर लेने के लिए आपको स्पेशली कमेंट करना होगा। अब हम नीचे जाएंगे स्टेयर्स से, और स्टेयर्स में अभी क्या नीचे सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, कोई कंफर्टेबल हो या ना हो यूं करके तो हम नीचे, हम सुबह सुबह हाँ डे नीचे व्लॉग हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी सारे गेस्ट बैठे हुए, हो सकता है कोई कंफर्टेबल हो या ना हो, और फालतू काम का कोई झमेला नहीं चाहिए हमको इसलिए। गैलरी और गैलरी के बीच में एक और गैलरी आ जाती है, और ये गैलरी है नीचे स्टेयर्स पे जाने के कुछ लिए। कुछ और मत देखना, लेकिन ये रोमा दीदी का मेकअप स्टूडियो बिल्कुल मत देखना, इसे पहले ये यही मेकअप करते थे जो कि अभी इन्होंने स्टोरेज रूम बना दिया है। जैसे ये मेकअप करने के
कैसे भी मुंह को अच्छा बना लेते हैं वो उस रूम की तरह, वैसे ही समझ सकते हो इस रूम को भी हमने अच्छा बना दिया। अभी मेकअप की जरूरत है बहुत ज्यादा, और इस पे मैं ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हो तो रोमानिकस के चैनल पे जाके कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठोक दो सब्सक्राइब अगर आप चाहते हो कि यही स्टूडियो बने तो कमेंट करना, और यही केशरी जी से यही स्टूडियो शिफ्ट कर देंगे इनका। और ये इतनी गैलरी और है, ये स्टोरेज रूम और ये गैलरी से ये यश ने दिमाग दौड़ा है, क्योंकि ये एक बार रूम था पहले, तो इस रूम को पूरा इधर डाल दिया है और ये ऊपर पूरी लकड़ी की सीलिंग बनवा दी है। एंड और ये यहाँ से स्टेयर्स हैं, नीचे घर चालू हो जाता है फिर नीचे का, तो इसीलिए अभी ऊपर का घर का टूर आपको पूरा दे दिया, यहाँ पे आ जाओ लाइटें का। हाँ तो फिर नीचे चले जाएंगे, फिर बनाएंगे नीचे के व्लॉग। तो अब यहाँ पर कर दो क्लोज और अब हम जाएंगे उस रूम में, यश के रूम में। अभी तक चिलिंग तो वहीं हो रही है, जब तक भाभी नहीं आती है तब तक चिलिंग वहीं है, इसलिए फटाफट आओ। सॉरी सॉरी विकू, मेरा भी ब्लॉग थोड़ा पब्लिक से भी कर दो। हाँ मैंने आपको ऊपर का घर तो पूरा बता दिया है, अब नीचे का घर कल सुबह बताते हैं। अगर यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लग गया हो और मेरा घर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।